डियर स्टूडेंट, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है जिसमें बहुत ही सरल कंसेप्ट लग रहा है। आइए देखिएगा। तीन सेक्शन है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, किसी भी एग्जाम में, और हर एक सेक्शन में पांच क्वेश्चन है। तो ध्यान से सुनिएगा। इन हाउ मेनी वेज अ स्टूडेंट कैन सॉल्व एग्जैक्टली फाइव क्वेश्चन। कोई बच्चा सिर्फ पांच क्वेश्चन एग्जैक्ट सॉल्व करना चाहता है तो वो कितने तरीकों से सॉल्व कर सकता है, जबकि हर एक सेक्शन से एक क्वेश्चन उसको सॉल्व करना जरूरी है। तो देखिए साहब, मान लो कि वो ए डिपार्टमेंट के क्वेश्चन कर रहा है, ए वन, ए टू, ए थ्री, ए फोर, ए फाइव, ये ए डिपार्टमेंट के हैं। बी डिपार्टमेंट के बी वन, बी टू, बी थ्री, बी फोर, बी फाइव, ठीक। और सी डिपार्टमेंट के सी वन, सी टू, सी थ्री, सी फोर, सी फाइव। अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, बड़े गौर से सुनिएगा। मान लो कि वो एक प्रकार के तीन सॉल्व कर दे, फिर एक अलग प्रकार हो और एक अलग प्रकार हो, तो इसे करने का तरीका, तो सुनो, ये तीन डिपार्टमेंट में से कोई एक डिपार्टमेंट ऐसा चुने जिसमें से कि वो तीन सॉल्व करे, ठीक। बाकी डिपार्टमेंट में से वो एक एक ही सॉल्व करे। अरे यस, अब सुनिए, या फिर क्या हो सकता है, किसी एक डिपार्टमेंट के दो, अन्य डिपार्टमेंट के दो और एक डिपार्टमेंट का एक। तो सुनिएगा, ये जो तीन डिपार्टमेंट हैं उसमें से वो दो डिपार्टमेंट चुन ले और हर एक में से दो दो सॉल्व करे, और बचे हुए डिपार्टमेंट में से एक सॉल्व करे, ठीक। तो ये कितना हुआ, ये क्या होता है, 5C2 के बराबर, 5 चौक 20 अपॉन 2 10, 5 5। इसको जरा देखिए, 3C2 मतलब 3, 5C2 5C2, 5 चौक 20 अपॉन 2 10 10 और 5 कितना हुआ, कितना हो गया, 2250 आंसर। जल्दी नोट डाउन करिए प्यारे बच्चे।